जाना लाइक खूब प्योर आर सेवन हेल्दी जो सुन रहे हमारे एग्जाम खत्म हुए इसलिए ढोल भी बज रहा है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू आर ऑल सेफ एंड हेल्दी। मेरे पीछे जो होटल देख रहे हो आप ये होटल है हॉवर्ड जॉनसन जो कि है मीरा नगर में शोभापुरा के जस्ट पीछे वाला एरिया। आप सभी को पता ही होगा लोकेशन हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में रहेगी तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आज यहाँ पे क्या है सबसे पहले बहुत ज्यादा आवाज चलती है आज यहाँ पे क्या है यहाँ पे ब्लॉगर्स मीट है और हम आपको आज बताएंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो अंदर चलते हैं और सबसे मिलाते हैं कौन कौन आया है क्या क्या चीज़ है। मैं जस्ट एग्जाम दे के आया हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी और एग्जाम के बाद ऐसी पार्टी होना मजा आने लगी। हमें जाना है ऊपर चलते हैं ऊपर और चलिए शुरू करते हैं। 12th floor. तो इतनी ऊंचाइयों से जब वो शहर को देखने का मौका वापस मिल रहा है वैसे तो मिलते ही रहता है बट अलग अलग जगह की अपनी अपनी खासियत होती है। कोई लेक का व्यू दिखाता है कोई सिटी का दिखाता है कोई जंगल का दिखाता है और यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है जितना मैंने सुना है। रजत भैया ने मुझे थोड़ा सा बताया था ऊपर चल के आप और मैं फर्स्ट टाइम जो है इसका एक्सपीरियंस लेंगे और बस देखते हैं। ये जस्ट एग्जाम से आया और हेलमेट तो अपने साथ रहता ही है बैग भी रहता ही है आप जानती हैं और जिनको नहीं पता सब्सक्राइब करो क्या कर रहे हो फटाफट से। ओके सो 12th फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें जाना है इस साइड में जो कि है टी बार टेरेस इन्फिनिटी स्विमिंग पूल। हमें इन्फिनिटी स्विमिंग पूल के ही जाना तो चलिए चलते हैं। तो ये है रजत भैया जो इन आवर सिग्नेचर स्टाइल कैसे हो अच्छा मिला भी नहीं ऐसा ठीक है समझता हूँ मैं बहुत बढ़िया। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको देखो इनका तो पता नहीं क्योंकि इनको दिखाया नहीं पर मेरी ने अभी तक जितना देखा जस्ट आके बहुत ही ज्यादा तगड़ा हवा जो चल रही है ना आज मेरे एग्जाम खत्म हुए तो हवा तो चल रही है और ये एग्जाम खत्म होने की खुशी में आज हम इनको दे रहे हैं पार्टी। थैंक यू भैया थैंक यू सो मच पार्टी हमारी तरफ से बालों का जो समझ जाओ बालों का जो हाल हुआ है बेहाल हुआ है हम बालों का जो हाल हुआ है बेहाल हुआ है हम स्ट्रीट फूड खा के भी चंदा जोड़ो। तो एग्जाम होने का एक पूरा नतीजा ये था कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया खाना बट कोई बात नहीं जो अब है हम आए हैं अरे नहीं आप चिकन सॉस ओह माय गॉड होता है वो सब तो हो चुका है अब बारी है फाइनल फूड की तो वो है सेकंड फ्लोर पे। ये जो अरेंजमेंट था हमारे लिए स्पेशली करवाया गया था थैंक यू सो मच। अब चलते हैं नीचे तो ये है इन्फिनिटी पूल और वो जगह वो है जहाँ पे हमने स्टार्टर्स खाए थे और मैं थोड़ा लेट हो गया था ज़्यादा अभी टाइम नहीं है फटाफट से चलते हैं नीचे और यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम की रील्स बनाई जा रही है भाई वसीम और घुमा जा रहा है जुल्फे घुमाई जा रही है। तो अब आ गए हम सेकंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे जो है हमारा लंच होगा। तो ये जो वॉल देख रहे हो ये सही में पेंटेड है ब्लॉग में मुझे पता नहीं कैसी दिख रही है बट इट्स ह्यूज और सही में हाथों से उठाई गई है ये वॉल आर्ट है जिन आर्टिस्ट ने भी इन्हें बनाया है बहुत ही शानदार काम करा है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है यार। मतलब जब आप यहाँ पे आओगे जब विजिट करोगे इसको देख के ज़रूर से जाना ये मच रिकमेंडेड है। क्या क्या सर्विस अवेलेबल है भैया सर 10 रुपये में फोटो 20 रुपये में एक्स्ट्रा बटर के साथ फोटो 30 रुपये में एक्स्ट्रा चीज़ के साथ फोटो और मेयो चाहिए तो 5 रुपये की डिप एक्स्ट्रा और थोड़ा सा केचप चाहिए तो वो फ्री दे रहे हैं और पैकिंग चार्जेस 30 रुपये सर। ठीक है तो भी भैया आपसे कुछ ना कुछ तो करा ही लेंगे चल ही जाएगा वीडियो तो बनानी है इसीलिए समझ रहे हो ना। तो मेन कोर्स में थे हमारे पास फिश और चिकन जिनके नेम्स मुझे याद नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा
और फिर नॉनवेज थाली जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में रहेगी। उसके बाद हमने बिरयानी भी ट्राई करी जो नॉन वेजिटेरियंस थे फूड ब्लॉगर उन्होंने, और उसके बाद थी वेज थाली। तो इसका मेन्यू और नॉनवेज थाली का जो मेन्यू है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या वैरायटीज थी। बात की जाए फूड की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हमने अपनी तरफ से जो जो चीज़ें हो सकती है वो बता दी, और लास्ट में थी पुडिंग जिसकी फर्स्ट लेयर तो थी चीज़ की और सेकेंड लेयर जो थी वो थी ब्लूबेरी की, तो इसका टेस्ट तो ओके ओके था। सब कुछ डन है, फूड की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और अब थोड़ा सा गाने का मन कर रहा है सबका, जो बारिश का गाना है, तो ऊपर चलते हैं और पुल के पास बैठ के इस सनसेट का आनंद लेते हैं। वैसे तो पीछे देख सकते हो बादल हो रहे हैं, बट फिर भी विल ट्राई टू कैप्चर द सनसेट, लेट्स गो। बैक अगेन एट टेरेस और इन्फिनिटी पूल के मज़े नहीं आ रहा है, सनसेट नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो क्लाउड से बहुत ज़्यादा है, होप सो आउट लग जाए तो मज़ा आ जाएगा, बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है। ऐसे हमारे पास कोई गिटार विटार नहीं है, बट हम फील करेंगे कि हमारे पास है गिटार। नाइस लड़की को चाहिए क्या, एक अच्छा गाने वाला गाने गाने की इच्छा है तो हमारे साथ अर्थ बैंड तो नहीं है, बट ठीक है चल जाएगा। अर्थ बैंड का एक नया वो असिस्टेंट इंटर्न आया हुआ है और अर्थ बैंड का वीडियोग्राफर भी है, उसी ट्रेंड की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। अरे टांग में कहीं हो ये हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। अरे वो समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहा हूँ वो घिस नहीं रहा है। देख देख सुन 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 इधर देख इधर देख जूता खुलना चाहिए, जूता खुलना चाहिए। हॉवर्ड जॉनसन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, रूफ टॉप पे चिल कर सकते हैं विद द परफेक्ट व्यू एंड अमेजिंग फूड, और एम्बियंस की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। हमने बता ही दिया, हम और बताना चाहते थे बट ड्यू टू सम रीजन नहीं बता पाए। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस जगह के बारे में जानने के लिए और फूड के बारे में भी। तो गाइस सब कुछ हो चुका है, ऊपर से आ चुके हैं, नीचे जैमिंग सेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रही, ज्यादा लेट हो रहे थे तो एक एक करके सब निकल गए जिनको लेट हो रहा था, अब हम भी लेट हो रहे हैं, यहाँ से चलते हैं। थैंक यू स्नेह जिन्होंने हमें इनवाइट कराया, थैंक यू रजत भैया, दोनों को थैंक यू सो मच सबकी तरफ से, और बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे भी। होप करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं बताऊँ नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कम ऑन।